नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फाई स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के सबसे बेहतरीन वास्तुकलाओं में से एक गोलकोंडा किले के बारे में, जो 16 बेहतरीन वास्तुकलाओं में शामिल है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय किले के बारे में। गोलकोंडा किला भारतीय इतिहास का एक शानदार प्रतीक है, जो तेलंगाना के हृदय हैदराबाद में स्थित है। इस किले का नाम विश्व भर में उच्च सुरक्षा और भव्य स्थान के रूप में मशहूर है, जिसने अपनी ऊंची दीवारों, महलों और आलीशान ताकत के साथ सदियों तक लोगों को प्रभावित किया है। गोलकोंडा किला का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था, लेकिन इसे बार बार दिल्ली सल्तनत और बहमनी साम्राज्य के शासकों के हाथों बदला गया। इसका समय समय पर संवर्धन होने के बावजूद गोलकोंडा किला आज भी अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊंची दीवारें, विभिन्न महल, बाग और भव्य दरवाजे सकारात्मक शैली में बने हैं, जो इसे व्यक्तिगतता और शौर्य का प्रतीक बनाते हैं। गोलकोंडा किला अपनी सुंदर वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, जो आज भी दर्शकों को मोहित करता है। गोलकोंडा किला का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के समय 13वीं सदी में हुआ था। काकतीय राजवंश ने बनवाया था, जो विजयनगर साम्राज्य के प्रभावशाली साम्राज्य के अंतर्गत था। गोलकोंडा किले की नींव राजा यादव राया ने रखी थी। गोलकोंडा किला का नाम गोलकोंड से आता है, जिसका अर्थ है गोलाकोंड या गोलिका कुंड। यह नाम इस किले के निर्माण के कारण मिला था, जो कि इसकी बौद्धिक और रणनीतिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया था। गोलकोंडा किला इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है और इसे विभिन्न साम्राज्यों और राजवंशों द्वारा अपनी अद्वितीय स्थानीयता और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गोलकोंडा किला आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है और यह पर्यटकों को अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए आकर्षित करता है। यह किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास स्थित है। किला 1143 का है, जब इसे कुतुबशाही राजवंश द्वारा बनवाया गया था। प्रारंभ में यह एक मिट्टी का किला था, लेकिन बाद में कुतुबशाही राजवंश के द्वारा ग्रेनाइट में बदल दिया गया। इस किले के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें हैं, जो हमें और आपको नहीं मालूम होंगी। आइए इससे जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्यों को जानते हैं। गोलकोंडा किले को आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर के स्मारकों की सूची में भी शामिल किया गया है। असल में गोलकोंडा में 4 अलग अलग किलों का समावेश है, जिसकी 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, 8 प्रवेश द्वार है और 4 उठाऊ पुल है। इसके साथ ही गोलकोंडा में कई सारे शाही अपार्टमेंट है, उसके साथ हॉल, मंदिर, मस्जिद, पत्रिका, अस्तंबल इत्यादि है। इसके सबसे निचले भाग में एक फतेह दरवाजा भी है। इस दरवाजे के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर अनमोल लोहे की किले जड़ी हुई है। फतेह दरवाजे में आप ध्वनिक आवास का भी अनुभव कर सकते हो। यह गोलकोंडा के मार्बल की मुख्य विशेषता है। बालानिसर रंगमंच पर भी आप दर्शकों के तालियों की गूंज को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में आपातकालीन परिस्थितियों को बताने के लिए इन तालियों का उपयोग किया जाता था। पूरा गोलकोंडा कॉम्प्लेक्स 11 किलोमीटर के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। गोलकोंडा परिसर में हम प्राचीन भारतीय कला, शिल्पकला और वास्तुकला का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राचीन रंगमंच, प्रवेश द्वार और विशाल हॉल हैं। गोलकोंडा 4 अलग अलग किलों में बटा हुआ है। गोलकोंडा में आज भी आपको 400 साल पुराना शाही बाग दिखाई देगा। बाला हिस्सा गेट गोलकोंडा का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो पूर्व दिशा में बना हुआ है। दरवाजे के किनारों पर बारीकी से कलाकारी की गई है और साथ ही दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का ताला और गोलाकार फलक लगा हुआ है। दरवाजे के ऊपर अलंकृत किए गए मोर बनाए गए हैं। दरवाजे के निचले ग्रेनाइट भाग पर एक विशेष प्रकार का ताला गढ़ा हुआ है। मोर और शेर के आकार को हिंदू मुस्लिम की मिश्रित कलाकृतियों के आधार पर बनाया गया है। टोली मस्जिद कारवा में है, जो गोलकोंडा किले से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1671 में मीर मूसा खान महालदार ने किया था, जो कि अब्दुल्ला कुतुब शाह के शाही कलाकार थे। दिखावे के तौर पर मस्जिद में 5 वक्र हैं, जिनमें हर एक वक्र के गोलाकार पदक में कमल बना हुआ है। बीच का वक्र सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सजाया हुआ है। अंदर से मस्जिद को 2 भागों में बांटा गया है। किले के प्रवेश द्वार के सामने
बड़ी दीवार बनी हुई है। यह दीवार राज्य को सैनिकों और हाथियों के आक्रमण से बचाती है। गोलकोंडा किला चमत्कारिक ध्वनिक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। किले का सबसे ऊपरी भाग बाला हिस्सा है, जो किले से कई किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही किले का वाटर सिस्टम रहबान आकर्षण का मुख्य केंद्र है। कहा जाता है कि दरबार हॉल और महल के बीच एक गुप्त मार्ग है। किले में कुतुबशाही राजाओं की कब्र भी है। यह कब्र इस्लामिक परंपराओं और कलाकृतियों के आधार पर बनी हुई है और गोलकोंडा की बाहरी दीवार से 1 किलोमीटर दूर उत्तरी दिशा में स्थित है। किले के बाहरी तरफ सुंदर और मनमोहक बाग बगीचे बने हुए हैं। कहा जाता है कि चार मीनार जाने के लिए यही से एक गुप्त द्वार भी है। गोलकोंडा किले के बाहरी तरफ बने हुए दो रंगमंच आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यह रंगमंच चट्टानों पर बने हुए हैं। किले में मंदिर भी बना हुआ है। इसे आप राजा के दरबार से भी देख सकते हो, जो कि गोलकोंडा किले की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी गोलकोंडा किले के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।